लोग अब तक मुझसे पूछते हैं कि क्या स्मोकिंग से भी हेयर फॉल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्मोकिंग भी आपके बालों को टूटने का या उनके झड़ने का या आपकी डेंसिटी कम होने का बहुत बड़ा कारण है। डेफिनेटली हमें स्मोकिंग रिड्यूस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग आपने बंद करी तो आपकी वापस ग्रोथ वैसी आ जाएगी, बट डेफिनेटली आप अपने बालों के पैटर्न में या टेक्सचर में इंप्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। अब स्मोकिंग कैसे आपके हेयर फॉल को या हेयर लॉस को इफेक्ट करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप स्मोकिंग करते हैं या वेप लेते हैं तो बेसिकली आप अपने आपकी जो बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो बाल धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। ऐसे ही जो निकोटीन आप लेते हैं उससे ये होता है कि वो आपके बालों के डीएनए को डैमेज करता है। जो स्मोकिंग है या वेप है इनसे आपके जो बालों के हेयर फॉलिकल्स हैं उसके रिसेप्टर जो होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो आपका हेयर फॉलिकल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। अगर आप स्मोकिंग या वेप और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों का टेक्सचर भी आपको चेंज होता दिखेगा, उसमें ग्रेइंग दिखेगी, वो ड्राई होने लगेंगे और आपको ज़्यादा जल्दी एजिंग होने लगेगी। तो डेफिनेटली एक समझदारी का ऑप्शन इसमें ओपिनियन ये है कि आप अपनी स्मोकिंग को डेफिनेटली रिड्यूस करें ताकि आप अपने बालों में एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट ला सके अगर हम हेयर फॉल नहीं रोक पाते। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।